मैं सीकर से हूँ, दातारामगढ़ तहसील से। सेकंड शिफ्ट पेपर का? हाँ बिल्कुल, 3 बजे से लेके 5 बजे वाले शिफ्ट। कैसा था पेपर का लेवल? पेपर का मीडियम लेवल था। रीजनिंग कैसी आ रही है? रीजनिंग लेवल की आ रही है, ऐसे मीडियम से। संबंधित कैसी क्वेश्चन है? बेस पे है, बेस पे ज़्यादा संबंधित है। राजस्थान जीके का लेवल? राजस्थान जीके का लेवल भी अच्छा। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 135 क्वेश्चन जी। मैं नागौर से। कैसा रहा पेपर? पर इस बार लेवल थोड़ा सा हाई था, पिछली बार बहुत लो लेवल का था, इस बार लेवल बहुत बढ़ा दिया और ये अपने योजनाओं से ज़्यादा सवाल आए थे। रीजनिंग कैसी थी? रीजनिंग नॉर्मल थी, अगर पढ़ के आए हैं अच्छे से तो आप रीजनिंग के सारे सवाल कर सकते हैं। करंट जी के कितने आ रहे हैं? करंट जी के 4-5 सवाल आ रहे हैं। कितने परसेंट अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 90 सवाल अटेंड किए। अच्छे से अच्छा पढ़ के आया तो 90 से 100 के बीच में अटेंड हो गए सेकेंड शिफ्ट। राजस्थान जीके का लेवल कैसा आ रहा है? राजस्थान जीके का नॉर्मल लेवल है, कुछ नहीं, अगर आपके अच्छे से पढ़ा हुआ है तो हो जाएगा। कैसे आए हो? करौली से। सेकेंड शिफ्ट में पारी थी आपकी जी। कैसा रहा पेपर का लेवल? अच्छा था। रीजनिंग कैसी आ रही है? रीजनिंग थोड़ा टफ है, कैलकुलेशन वाली है। और कंप्यूटर कैसा आ रहा है? कंप्यूटर भी नॉर्मल ही है। राजस्थान जीके का लेवल कैसा आ रहा है? थोड़ा हार्ड है रास्ता। कितने परसेंट अटेम्प्ट किया आपने? 80। कैटेगरी कौन सी आपकी? ST। कहाँ से आए हो? नागौर से। सेकंड शिफ्ट में था आपका एग्जाम जी। कैसा रहा तुम्हारा एग्जाम? अच्छा रहा। रीजनिंग कैसी आ रही है? रीजनिंग नॉर्मल है, मीडियम साइज। और करंट जीके कैसा आ रहा है? करंट जीके 2022 का ही है, नॉर्मल सा ही है। कितने परसेंट अटेम्प्ट किया आपने? लगभग 125। राजस्थान जीके कैसा आ रहा है? राजस्थान जीके का लेवल नॉर्मल ही है। कहाँ से आए हो? अलवर। अलवर से आए। कैसा रहा सेकंड शिफ्ट का पेपर? बहुत रेड था, ज़्यादा इजी नहीं था। राजस्थान जीके कैसा आ रहा है? राजस्थान सर, इजी थी राजस्थान तो। कंप्यूटर से कितने परसेंट अटेम्प्ट करवा है? कंप्यूटर का लेवल थोड़ा हाई था। करंट अफेयर कैसा आ रहा है? करंट जी था, करंट में 2-3 योजना वो सवाल करें। कितने परसेंट अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 135। कहाँ से आए हो? गंगानगर से। सेकंड शिफ्ट में पारी थी आपकी? हाँ जी सर। कैसा रहा पेपर का लेवल? पेपर बढ़िया था सर। रीजनिंग कैसी थी? रीजनिंग 50% सही था। करंट जीके का लेवल कैसा रहा? करंट जीके का 10% पर। और आपका राजस्थान जीके कैसा आ रहा है? राजस्थान 15 क्वेश्चन। कितने परसेंट अटेंड किया आपने? 140। कहाँ से आए हो आप? टोंक जिले से। सेकंड शिफ्ट में था पेपर आपका? जी सर। कैसा था पेपर का लेवल? पेपर का लेवल से ठीक था। रीजनिंग कैसी आ रही है? रीजनिंग अच्छी थी। कंप्यूटर का लेवल? कंप्यूटर भी ठीक था पढ़ने वालों के लिए तो। कितने परसेंट अटेंड किए? 120 लगभग। राजस्थान जीके कैसा आ रहा है? राजस्थान जीके ठीक था पढ़ने वाले के लिए तो, नहीं पढ़े जिसके लिए तो कुछ भी नहीं था। कहाँ से हो आप? टोंक से हूँ। सेकंड शिफ्ट में पारी में एग्जाम हुआ आपका? हाँ सेकंड शिफ्ट में पारी। कैसा था पेपर का लेवल? पेपर का लेवल बढ़िया था, मीडियम था, सही था। रीजनिंग कैसी आ रही है? रीजनिंग मीडियम आ रही है। कंप्यूटर थोड़ा हाई आया। राजस्थान जी का भी मीडियम आई है। कितने परसेंट अटेंड किया आपने? कम से कम 120 क्वेश्चन अटेंड करे। कैटेगरी कौन सी है? OBC है। रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? थोड़े हार्ड थे और मीडियम साइज का। मीडियम साइज। कंप्यूटर से कितने परसेंट आ रहे हैं? 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। और राजस्थान जी के कैसे आ रहा है? आर्थिक समीक्षा थोड़ी कठिन आ रही है। और करंट के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? एस लेवल की आ रही है। और देखा जाए तो तुम्हारा कितने परसेंट अटेंड करके आए आप? 110 के करीब। 110। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जो एग्जाम अभी चल रहा है उसके बारे में। अभी आपने एग्जाम दे के आए बच्चों से की बातें सुनी, क्या उन्होंने फील किया है पेपर करते समय। आज दो पारियों का पेपर कंप्लीट हो चुका है,
जिसमें पहली पारी में और दूसरी पारी में जो पेपर आए हैं उन बच्चों से हम मिल चुके हैं। लगातार मैंने आपको काफी बच्चों से मिलवाया है जिनकी बातें हमने सुनी हैं, और उससे हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ है। अब इसका फर्क कट ऑफ पे सीधा सीधा पड़ेगा, तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है आगे आने वाली पारियों में, जो कल परसों अगले दिन जो एग्जाम होने वाली हैं उनमें आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग से बचना है। जब भी पेपर टफ आता है तो नेगेटिव मार्किंग से नुकसान ज्यादा होता है। आपको दूसरे बच्चों को देख के संख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं है कि उसने 135 किए हैं, उसने 130 किए, 125 किए हैं। आपको वो संख्या पे ध्यान नहीं देना है, संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पेपर पे ध्यान रखना है कि आप सही सही कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग से बचने वाला मेरा जो एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है वो आप देख लीजिए, जिसमें दो ऑप्शन आपको पता है कम से कम, तब आप रिस्क ले सकते हैं, अन्यथा अगर रिस्क लेंगे तो उससे नुकसान हो सकता है। सारे ही पार्ट के अंदर, चाहे करंट है, चाहे बाल एवं महिला अपराध है, चाहे कंप्यूटर है, सारे ही जो पार्ट्स हैं उनके अंदर डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिनमें गलत होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो आप अंदाजे से तुक्के मार के संख्या मत बढ़ाइए, ये विशेष रिक्वेस्ट है मेरी सारे बच्चों से। अगर आपने 100 क्वेश्चन से क्रॉस कर दिए राइट क्वेश्चन, तो उसके बाद में बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है, थोड़े बहुत क्वेश्चन आप और कर सकते हो। ये आइडिया मैं आपको एक नॉर्मल अंदाजा दे रहा हूं इतने बच्चों से मिलने के बाद और पेपर देखने के बाद ये स्थिति है। तो इस चीज का आप नेगेटिव मार्किंग से स्पेशली बचिए। इसके अलावा अब आपको जो पढ़ाई करनी है उसमें आप आगे आने वाले पेपर्स में इसी पैटर्न को ध्यान में रख के अपनी तैयारी रेगुलर रख सकते हैं, जिसमें आप करंट देख लीजिए, कंप्यूटर से संबंधित जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें शॉर्ट कीज के क्वेश्चन ज्यादा आए गए हैं। इसके अलावा प्रोसेसिंग से संबंधित क्वेश्चन है तो कंप्यूटर को भी आप और थोड़ा सा एक बार देख सकते हैं। साइंस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछे गए हैं, और जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन है वो भी थोड़े से टफ लगते हैं। तो इस तरह से दोनों ही पारियों के अंदर अब आपको ज्यादा पढ़ाई से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, बट पेपर को जो डील करना है, पेपर को जो हल करने का जो तरीका है वो आपको जरूर फील करना है। और एक चीज और याद रखना कि आपको घबराना नहीं है। बहुत से बच्चे टफ पेपर देख के डर जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, अगर पेपर टफ आता है तो कट ऑफ अपने आप नीचे रह जाती है। जिन बच्चों ने वास्तव में तैयारी की है, वास्तव में पढ़ाई की है, मेहनत की है, उनको पेपर देख के बिल्कुल नहीं घबराना है। शुरू में अगर आपको 2 क्वेश्चन नहीं आए, 5 क्वेश्चन नहीं आए, तो उसमें परेशान नहीं होना है। आपको नहीं आ रहे हैं इसका मतलब है वो औरों को भी नहीं आ रहे हैं। तो ये कंपटीशन एग्जाम है, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग से सिर्फ बचना है और अपने आप को कमजोर नहीं बनाना है। जो तैयारी आपने की है तो आपको वो जरूर सफलता दिलाएगी, ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इतने दिन से आपने जो मेहनत की है ना, उसका जरूर फायदा आपको मिलने वाला है। जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है उनके लिए मैं बता दूं, बहुत जल्दी नई वैकेंसी आने वाली है। सुबह वाले पारी में मैंने बताया था सारी डिटेल्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देख लेना। नई वैकेंसीज के लिए भी आप लगातार अपनी तैयारी को बरकरार रख सकते हैं, लगातार अपनी तैयारी रेगुलर रख सकते हैं। और जिन बच्चों का एवरेज पेपर हुआ है, जिनको लगता है कि मेरा अच्छा पेपर गया है, नेगेटिव मार्किंग से मुझे नुकसान कम है, अब अंदाजा आपको लग गया होगा हुआ है, तो आप फिजिकल तैयारी के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। 17 तारीख से, 17 मई से रिम डिफेंस एकेडमी में ऑफलाइन बैच फिजिकल का शुरू होने वाला है। इसके अलावा ऑनलाइन के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी लगातार आप मेरे साथ रह के अपनी फिजिकल तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। और पूरे राजस्थान में पिछले कई वर्षों से हम फिजिकल के लिए नंबर वन हैं, और वो हमारी इस टीम की वजह से, आप सबके प्यार की वजह से और स्नेह की वजह से संभव हो पाया है। पिछले बच्चों का जो रिजल्ट है, जिसमें इस तरह से बच्चों ने तैयारियां की हैं, और स्पेशली मैं बता दूं बेटियों के लिए, पूरे राजस्थान से बेटियां रिम डिफेंस अकेडमी में अपनी पूरी सेफ्टी के साथ पूरे अच्छे वातावरण में तैयारी कर सकती है, जिसमें हॉस्टल फैसिलिटी है। पेरेंट्स से भी मैं आग्रह करूंगा, जो देख रहे हैं वीडियो मेरा, तो वो अपनी बेटियों को अगर अच्छा, अगर उन्होंने स्कोर किया है, अगर कॉन्फिडेंट है, तो आप आराम से तैयारी के लिए भेज सकते हैं जयपुर में। कोई भी चीज अगर आपको और जाननी है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एकेडमी का एक नंबर यहाँ चल रहा है, तो इस नंबर पे कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं डिटेल्स वगैरह। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।